नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल हेल्प पॉइंट में। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो जियो के किसी भी मॉडल को प्लेस करते हैं लेकिन सारा प्रोटोकॉल फेल आ रहा है। तो मैं इसका आपको परफेक्ट तरीके से सोल्यूशन दूंगा, एकदम जेन्युइन तरीके से सोल्यूशन दूंगा। इस सोल्यूशन के लिए बहुत सारे यूट्यूबरों ने बहुत सारी कोशिश की है लेकिन वो मेथड क्या है हर किसी के काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको जेन्युइन एक मेथड बताऊंगा जिसे मैं दिखा देता हूं कि क्या फेल आ रहा है, वो दिखा देता हूं पहले, उसके बाद उसका सोल्यूशन बताऊंगा जो कि 100% मानने के बाद। मैं आगे यहां अपने ये जो क्यू फिल टूल है इसे ओपन कर लेता हूं, जिसे मैंने इसे पहले भी ट्राई किया था। ये आप नीचे देख सकते हैं, इसमें सारा प्रोटोकॉल फेल ही आया है। तो मैं अभी ब्राउज पर जाता हूँ और फिर से फाइल सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि वो फॉल्ट अभी भी आ रहा है। ये देखिए, मैंने 2 नंबर फाइल सेलेक्ट कर लिए और रिपेयर फाइल यानी 3 नंबर फाइल भी सिलेक्ट कर लिया। अभी पोर्ट नॉट अवेलेबल है, मैं डिवाइस को कनेक्ट कर देता हूँ। डिवाइस तो आप कनेक्ट कर लेंगे, ये देखिए डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। क्वालकॉम का जो लोगो था वो आ चुका है। मैंने अभी देखिए फिर से कनेक्ट किया, ये फ्लैट मोड पे फिर से कनेक्ट किया और ये देखिए फिर से ये जो है एडियल मोड पे सारा प्रोटोकॉल फेल आ रहा है। तो इसी का सोल्यूशन मैं आपको एकदम जेन्युइन तरीके से बताऊंगा। ये देखिए फिर से वही फॉल्ट आ रहा है, सारा प्रोटोकॉल फेल आ रहा है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और इसका एक जेन्युइन तरीका है जिससे कि हम इसे बड़ी आसानी से प्लेस कर सकते हैं बिना किसी एरर के। तो चलिए मैं इस टूल को बंद कर देता हूँ और फिर आपको उसके बारे में सॉल्यूशन के बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड, आपको इसे प्लेस करना है मिरेकल क्रैक के बॉक्स से। तो मैं मिरेकल क्रैक तो ओपन कर लेता हूँ। यदि आपके पास मिरेकल क्रैक नहीं है तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं जैसे मिरेकल को कर लेता हूँ ओपन, ये देखिए हमारा मिरेकल क्रैक है जो ओपन हो चुका है और ये ओल्ड वर्जन है उसका, फिर भी ये फ्लैश कर देगा आसानी से। तो मैं यहाँ पर कॉल आपको क्या करना है, क्वालकॉम सेलेक्ट करना है। मैं पहले क्वालकॉम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ क्वालकॉम लिखा है, इस क्वालकॉम वाले फंक्शन को आपको सेलेक्ट करना है जिससे कि हम क्वालकॉम प्रोसेसर को फ्लैश कर सके। ये क्वालकॉम सेलेक्ट करना है और फिर आपको इसकी फाइल सेलेक्ट करनी है। तो मैं बता देता हूँ कि फाइल आपको किस किस तरीके से सेलेक्ट करनी है। पहले आपको ये जो ऑटो टिक लिखा हुआ है इसे अनटिक करना है, ऑटो टिक को हटाना है पहले। तो मैं पहले ऑटो टिक को हटा देता हूँ और फिर उसके बाद इसे फ्लैश करता हूँ। फ्लैश फाइल सेलेक्ट कर दो, फ्लैश फाइल भी मैं परफेक्ट तरीके से बताऊँगा किस तरह सेलेक्ट करनी है। अब आपको फ्लैशिंग पे जाना है और फ्लैशिंग पे जाने के बाद आपको फिर से फ्लैशिंग पे क्लिक करके और फाइल को सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ फ्लैशिंग पे क्लिक करके देखिए, ये देखिए आ चुका है प्रोग्राम फाइल, पेज फाइल और ए फाइल, फाइल तीनों का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। जो कोने में यहाँ आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके और पहले इसके प्रोग्राम फाइल को सेलेक्ट करना है, फिर रेव फाइल को और फिर पेज फाइल, मैं तीनों फाइलों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए अभी तो आया नहीं इसमें, ये नीचे आ चुका है क्वालकॉम का। तो ये अब हमारा डिवाइस है जो कनेक्ट हो चुका है, मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ जो डिवाइस है जियो FM90M, उसे मैं प्लेस करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जो यहाँ पे टिक लगा है इसे, यहाँ पे आपको पहले प्रोग्राम फाइल सेलेक्ट करनी है। प्रोग्राम फाइल कौन सी सेलेक्ट करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। जो थर्ड नंबर पे प्रोग्राम फाइल होती है उसे सेलेक्ट करना है। तो मैं इस पर टिक करता हूँ फाइनली और ये मैं आ चुका हूँ हमारे फ्लैश पे। फिर से दिखा देता हूँ मैं डेस्कटॉप पे जाके और ये जहाँ से मैंने फाइल रखी थी वहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले आप फाइल में जाइए, फर्मवेयर और फर्मवेयर को ओके कीजिए, यहाँ पे आपको प्रोग्राम फाइल शो कर देगा। तो आपने जहाँ भी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रखी है वहाँ से आप इस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं फर्मवेयर पे जाता हूँ और यहाँ से फाइल को सेलेक्ट, ये देखिए जो 2 नंबर फाइल है इसे आपको सेलेक्ट करना है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि मुझे टेक्निकल के साथ साथ फ्लैशिंग का भी बहुत अच्छा नॉलेज है, तो मैंने सोचा इस फॉल्ट का मैं आप लोगों को जेन्युइन तरीके से सॉल्यूशन बता दूं। तो ये देखिए जो 2 नंबर फाइल है लाइट MBBN, इसे सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइट MBBN 2 नंबर जो फाइल है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रोग्राम फाइल के अंदर, यानी जो 1 नंबर का ऑप्शन है उसके अंदर आपको इस फाइल को सेलेक्ट करना है। ये देखिए फाइल सेलेक्ट हो चुकी है और अब मैं इसकी रेव फाइल है उसे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसकी पेस्ट फाइल को। अब आपको थर्ड नंबर जैसे मैंने टिक किया यहाँ पे क्लिक करके 2 नंबर फाइल को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ये देखिए मैं थोड़ा टिक कर देता हूँ और यहाँ से आपको ये देखिए बीच में रेव प्रोग्राम 0 लिखा हुआ है, अनसिक्योर लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करना है। ये देखिए रेव प्रोग्राम
स्पेस से कुछ ऐसा सा नाम लिखा हुआ है, इसे आपको सेलेक्ट करना है दो नंबर ऑप्शन के अंदर। तो चलिए मैं इसे दो नंबर के अंदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए इस फाइल पे सिंपली क्लिक किया और ये फाइल हो जो आ चुकी है। अब नीचे देख लीजिए बॉक्स के अंदर आपकी पूरी फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। पेज फाइल बन चुकी है, उसे भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपको सिंपली पेज फाइल को सेलेक्ट करना है। ये देखिए जो पेज फाइल होती है उसे यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करके ऊपर आपको दो नंबर पर दिखा रहे हैं पेज 0। ये देखिए मैं थोड़ा लाइन कर देता हूँ। इस फाइल को आपको यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको ये नीचे लिखा हुआ है EDL मोड, वैसे तो मैं लाइन निकल करके बता दूंगा। ये देखिए EDL मोड लिखा है, इस पर क्लिक करना है और डैश को फिर से यूज़ पे लगा के और स्टार्ट पे क्लिक कर देता है। ये देखिए इस पर टिक करके और आप सिंपली आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना। तो मैं जैसे स्टार्ट पे करके क्लिक करता हूँ, ये देखिए हमारी फ्लैशिंग है जो सक्सेसफुल स्टार्ट हो चुकी है। पहले ये राइट कम्युनिकेशन कर रहा है, कन्फर्म कर रहा है, ये 486 MB की कुछ फाइल दिखा रहा है और ये फाइल अभी ये डिवाइस हमारा फ्लैश हो जाएगी। देखिए ये अभी फ्लैश होना शुरू हो चुका है और मैं जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आप इसे बड़ी ही आसानी से फ्लैश कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा डिवाइस फ्लैश हो रहा है और आप वीडियो को अंत तक बने रहिए और पूरे गौर से देखिए ये वीडियो, आपको इस पार्ट को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का जैसे मैं पहले भी बता सकूँ उद्देश्य यही था कि मुझे टेक्निकल के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी बहुत अच्छा नॉलेज है, इसलिए मैंने सोचा कि ये जो फॉल्ट आ रहा है बहुत सारे बंदे इससे परेशान हो रहे, तो सोचा इस पर मैं एक वीडियो बना दूं और इसका एक जेन्युइन तरीके से आपको जो सॉल्यूशन दे दूं। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया और आपको एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन बताया। फ्रेंड आप मिरेकल क्रिएट से इसे फ्लैश करेंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये मैं लिख के देता हूँ कि आपको कोई भी एरर नहीं आएगा आप इसे यदि मिरेकल क्रिएट से फ्लैश करेगा। तो कनेक्ट तो वैसे ही करना है जैसे आप करते हो, जैसे F90 है तो ये वॉल्यूम अप और डाउन दोनों की को प्रेस करके कनेक्ट करेंगे, जिससे डिवाइस जो आपकी स्क्रीन है वो ब्लिचिंग करेंगे तो आपका डिवाइस है वो EDL मोड पे आ जाएगा और फिर सिंपली आपको यूज़ भी लगा देना है। तो कनेक्ट सेम उसी तरीके से करना है, लेकिन फ्लैश का थोड़ा सा तरीका अलग है। फ्लैश फाइल को किस तरह से सेलेक्ट करना है वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया। तो ये देखिए अभी फ्लैश हो रहा है, थोड़ा सा टाइम और लेगा, ये लोडिंग ले रहा है और फ्लैश हो जाएगा। ये देखिए राइट ओके आ चुका है और अभी ये आसानी से फ्लैश हो चुका है, यानी हमारा डिवाइस फ्लैश हो चुका है। बहुत कम बन सा है, अब ये थोड़ा सा प्रोसेस और लेगा और ये आसानी से फ्लैश हो जाएगा। तो देन गाइज हमारा डिवाइस हो चुका है फ्लैशिंग सक्सेसफुल। ये देखिए नीचे लिखा हुआ आ चुका है ऑल डन, प्लीज चेक योर डिवाइस स्क्रीन, यानी हमारा डिवाइस फ्लैश हो चुका है। तो आप भी इस मेथड को अपनाकर अपने डिवाइस को फ्लैश कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, थैंक यू कीप फॉर सपोर्टिंग।